नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग लगभग 30-32 वर्ष की उम्र के हैं और यदि उन्हें अपना थोड़ा सा बचपन याद हो तो उन्हें बचपन में स्कूलों में एक दवा पिलाई जाती थी और लगभग हर स्टेट में, मतलब भारत के हर राज्य में ये एक पूरा प्रोटोकॉल था जिसको फॉलो किया जाता था। स्कूलों में जा जाके बच्चों को एक दवा पिलाई जाती थी जिसे कहा जाता था कि ये मछली के लिवर का तेल है, जिसको कॉड लिवर ऑयल कहा जाता था। और वो जो कॉड लिवर ऑयल है वो हर बच्चे को एक निश्चित समय अंतराल के बाद पिलाया जाता था। और उसका कारण ये था कि बहुत सारे बच्चों में रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम, यानी कि हड्डियों के कमज़ोर होने के समय जो समस्या आ जाती है, उनमें जो तिरछापन आने लगता है हड्डियों में, वो समस्या डेवलप हो रही थी। और उस समय कॉड लिवर ऑयल को, चूंकि ये विटामिन ए और विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिच सोर्स है, मतलब एक सामान्य मनुष्य को एक दिन में जितने विटामिन ए और विटामिन डी की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा कॉड लिवर ऑयल के एक स्पून में, यानी कि लगभग 14.5 ग्राम यदि देखा जाए तो उसमें बनता है वो, तो एक चम्मच में उतना ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और इसीलिए भारत के हर राज्य में लगभग लगभग हर बच्चे को वो पिलाया जाता था, स्कूल स्कूल में जाके वो दवा जो है वो पिलाई जाती थी। तो ये जो कॉड लिवर ऑयल है, ये कॉड एक मछली होती है, उसके लिवर से बनने वाला एक तेल होता है, और उसमें यदि देखा जाए तो उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसका उपयोग एक सेकेंडरी प्रोफाइलेक्टिक के रूप में हार्ट अटैक के बाद, जब पेशेंट को ठीक होने में, रिकवरी करने में ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, उस समय ओमेगा फैटी एसिड्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो कॉड लिवर ऑयल ओमेगा फैटी एसिड्स का भी एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। उस कंडीशन में भी ओमेगा फैटी एसिड्स को पाने के लिए कॉड लिवर ऑयल का यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी में भी कॉड लिवर ऑयल से एक मेडिसिन बनाई जाती है और बहुत ही सक्सेस के साथ वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में यूज़ की जाती है, खास तौर से बच्चों के केसेस में और महिलाओं के केसेस में तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। होम्योपैथी में इस मेडिसिन को कहा जाता है दोस्तों ओलियम जैकोरेस असेली। यदि आप इसको देख सकते हैं तो ये ओलियम जैकोरेस असेली है, इस पर लिखा हुआ है, ये ओलियम जैकोरेस का डिब्बा है। ये 3x पोटेंसी में यूज़ की जाती है और इसका खास तौर से जो उपयोग किया जाता है वो छोटे बच्चों में किया जाता है, जिनको की हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिन बच्चों का सिर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हाथ के पंजे बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, स्क्रोफुलस चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कि उनमें जो ग्लैंड्स हैं उनमें एनलार्जमेंट की ज़्यादा शिकायत पाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि जन्म से थोड़े से कमज़ोर होते हैं और शरीर उनका, सिर और हाथ जिनके थोड़े से गर्म रहते हैं उन बच्चों में। इसके साथ ही ये जो गर्म रहने वाला जो सिम्टम है, जो कि हाथ गर्म रहता है, सिर उनका थोड़ा सा गर्म रहता है, यदि महिलाओं में भी पाया जाता है तब उस कंडीशन में भी उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशियंसी को, यानी कि उनके खान पान से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए, और ख़ास तौर से आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, क्योंकि विटामिन ए का बहुत ही रिच सोर्स है और विटामिन डी का भी बहुत रिच सोर्स है, तो हड्डियों के एक सप्लीमेंट के रूप में, विटामिन डी के एक सप्लीमेंट के रूप में, इस कॉड लिवर ऑयल से बनने वाली मेडिसिन ओलियम जैकोरेस असेली, जिसका पूरा नाम है, 3x पोटेंसी में इसका जनरल यूज होम्योपैथी में किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी मेडिसिन के सारे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि हम बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स देख के इस मेडिसिन को शुरू कर सकते हैं और महिलाओं में किस किस बीमारी में ये खास तौर से उपयोग की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि ये जो ओलियम जैकोरेस असेली होती है ये इस तरह की टैबलेट के फॉर्म में आती है, आप देख सकते हैं ये टैबलेट्स होती हैं, और इस तरह की ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, आप देख लीजिए, इस तरह की एक टैबलेट है जिसके ये टैबलेट के रूप में बनाई जाती है। और यदि हम इसके होम्योपैथिक यूज़ की बात करें तो इंटरनली होम्योपैथी में इसको एक हेपेटिक और पैंक्रियाटिक रेमेडी के रूप में, यानी कि लिवर से संबंधित बीमारियों में और पैंक्रियास से संबंधित बीमारियों को ठीक करने वाली एक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वे बच्चे जिनमें स्क्रोफुलस सिम्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि जिनकी जो ग्लैंड्स हैं वो बार बार इनलार्ज्ड हो जाती हैं, कभी गिल्टियाँ
उनकी सूजन आ जाती है, कभी लिम्फ नोड्स उनकी जो है वो इनलार्ज्ड हो जाती हैं, तब उस कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। इसके साथ ही ट्यूबरकुलोसिस की शुरुआत में, और वे बच्चे जिनको कि रात में बुखार आता है और रात में वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम इसके चेस्ट के सिम्टम की बात करते हैं, तो वे लोग जिनको कि चेस्ट में हॉर्सनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि घड़घड़ जैसी आवाज आती है, या उनको एकदम से अजीब सा सेंसेशन होता है चेस्ट में, जैसे कि कुछ फंस रहा है इस तरह की, या खुजली जैसी टिकलिंग सेंसेशन होता है, जिस तरह से कि गुदगुदी चल रही है या खुजली चल रही है, इस तरह का सेंसेशन होता है, तब उस केसेस में इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही जिन लोगों को सूखी खांसी इस सिम्टम के साथ एसोसिएटेड होती है और हुपिंग कफ जैसे सिम्टम्स उनमें आने लगते हैं, और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये रात में एग्रावेट हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ ही जिन लोगों को छाती में यानी कि चेस्ट में ऐसा लगता है जैसे कि उनको कहीं चोट लग गई है और उसके जैसा दर्द होता है, सोरनेस जिसे कहा जाता है, वैसा कहीं कोई दर्द होता है, तब उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। और पैल्पिटेशन के केसेस जिनमें कि दिल की जो धड़कन है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है और पूरे शरीर में वो जो धड़कन है महसूस होती है, तब उस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। और ये जो पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये न्यूट्रिशन की कमी से ही ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि बच्चे हो या एडल्ट हो, जिसमें भी इस तरह के न्यूट्रिशन के केसेस, यानी कि उनको पूरी तरह जो पोषण है उनके शरीर में नहीं मिल रहा है, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के वे केसेस जिनकी शुरुआती अवस्था होती है, पेशेंट का जो वजन है वो अचानक कम होने लगता है, खांसी चलने लगती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बलगम बनने लगता है, और शुरुआती अवस्था में तो जो खांसी रहेगी वो सूखी खांसी ही रहेगी, बाद में जाके वो जो बलगम है वो निकलने लगता है, तब उस कंडीशन में यदि शुरुआती अवस्था में ही ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में ओलियम जैकोरिस का यूज करना शुरू कर दिया जाए तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो फास्ट हो जाती है। यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ATT ड्रग्स जो यूज की जाती हैं, जो एक पूरा प्रोटोकॉल है 6 महीने 9 महीने वाला, वो यूज करना चाहिए और पेशेंट फिजिशियन से पूरी तरह कंसल्ट करने के बाद ही उसको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप एक टॉनिक के रूप में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत सेफ होम्योपैथी मेडिसिन है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यदि हम इसके फीवर की बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वे लोग जिनको कि फीवर के साथ रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है और खासतौर से उनका जो फीवर होता है वो रात में बढ़ जाता है, वे बच्चे जिनको रात में बुखार आने की शिकायत होती है उन लोगों को भी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रात में उनकी पूरी नींद नहीं लगती, रेस्टलेस हो जाते हैं, चेहरा उनका लाल पड़ने लगता है, येलो पड़ने लगता है, और वे बच्चे जो कि दूध बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, उन्हें दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दूध वो पीना ही पसंद नहीं करते, उन लोगों में ओलियम जैकोरिस बहुत ही अच्छा काम करती है, उनके फीवर को भी ये कम करती है। ऐसे बच्चों में ये देखा जाता है कि उनको रात में पसीना आने की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, सिर से पसीना आ जाएगा, गर्दन से पसीना आने लगेगा। हालांकि ये जो गर्दन से पसीना आने वाला जो सिम्टम है ये कैल्केरिया कार्ब में भी देखने को मिलता है, इसलिए केस टेकिंग के साथ ये पता लगाना जरूरी है कि क्या ये बच्चा ओलियम जैकोरिस का पेशेंट है या फिर इसको कैल्केरिया कार्ब देनी है, यहां पे डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यदि हम इसके हाथ पैरों से संबंधित यानी कि एक्सट्रीमिटीज से संबंधित सिम्टम्स की बात करते हैं, तो रूमेटिज्म के जो केसेस यानी कि गठियावाद के जो केसेस होते हैं उनमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, आर्थराइटिस के जो केसेस होते हैं उनमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, खासतौर से उन लोगों को जिनको कोहनी में दर्द की शिकायत होती है और घुटनों में दर्द की शिकायत होती है, एकिंग उनको पेन होता है, और उस कंडीशन में ओलियम जैकोरिस का यूज किया जाता है। यदि हम इसके फीमेल सिम्टम्स की बात करें, तो वे महिलाएं जिनमें कि इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनकी जो मासिक धर्म होते हैं वो अनियमित होते हैं, पूरी तरह इरेग्युलर होते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं, लेट आते हैं, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कभी बिल्कुल ही ब्लीडिंग नहीं होती है, या फिर उनमें PCOD के सिम्टम्स होते हैं यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के सिम्टम्स होते हैं, और इसके साथ साथ ही उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, जिसको कि हर्सूटिज्म कहा जाता है, तब उस कंडीशन में फीमेल जो होती हैं उनके चेहरे पर उनकी दाढ़ी आने लगती हैं, उनकी मूछें आने लगती हैं, बियर्ड एंड मॉस्टेचेस आने लगती हैं उनकी, यहाँ पे बहुत सारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन को लगभग लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स हैं, खास तौर से ये एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को खत्म करने वाली मेडिसिन के रूप में, यानी कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं और उनके कारण यदि हमारी बॉडी में
उनकी कमी से कोई बीमारी डेवलप हो रही है तो उस कमी को दूर करने वाली एक मेडिसिन के रूप में यूज़ की जाती है, और विटामिन ए और विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए जो इसका उपयोग है वो विटामिन ए और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इस मेडिसिन को 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर में और 2 टैबलेट शाम को इस डोज के साथ स्टार्ट करना चाहिए एडल्ट्स में। और यदि बच्चों के डोज की बात करें तो 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार, यानी कि 1 सुबह 1 दोपहर में और 1 शाम को, इस तरह से इसका यूज करना शुरू करना चाहिए। तो इस तरह उपयोग करने से जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में इसका कोई खास रिजल्ट आपको देखने में नहीं मिलेगा। इस मेडिसिन को कम से कम 6 महीने 8 महीने साल भर इस तरह से यूज यदि किया जाता है तो महिलाओं में निश्चित रूप से ये देखा जाता है कि उनकी जो थिक हेयर ग्रोथ होती थी, जो हर्सूटिज्म की उनको समस्या होती थी, वो खत्म होने लगती है। बच्चों में देखा जाता है कि विटामिन ए और विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होने लगती है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।